एडवाइस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2022 के जो पीटी एग्ज़ाम है उसके जीएस की तैयारी के संदर्भ में, और ख़ास करके हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं जनरल स्टडीज़ की तैयारी को लेकर के बहुत ही दिग्भ्रमित रहते हैं। तो आज की जो चर्चा है इसके अंतर्गत हम इतिहास के सेक्शन की बात आपसे कर रहे हैं कि इतिहास से जो सामान्य अध्ययन का है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 2022 क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी में इतिहास सेक्शन से ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और ईपीपीसीएस में भी आते हैं, बिहार में भी आते हैं, मध्य प्रदेश में भी जीएस के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ राइट, इतिहास सेक्शन का अध्ययन हम कहाँ से शुरू करें? तो इतिहास की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है प्राक इतिहास। अब देखो, प्राक इतिहास से जब आप पढ़ने जाते हो सामान्य तौर पे इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं राइट, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला अगर क्वेश्चन ये बनाया जाए कि मानव का उद्विकास कब हुआ, मानव का उद्विकास राइट, तो इसके लिए आपको याद रखना है प्रतिनूतन युग, है ना, प्रतिनूतन युग। ये प्रतिनूतन युग को मानव का काल भी कहते हैं, मानव का काल राइट। ध्यान ये रखना है कि जो प्रतिनूतन युग टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, भूगोल के एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी के उत्पत्ति के कालक्रम का निर्धारण किया गया है, और पृथ्वी के उत्पत्ति के कालक्रम के निर्धारण के अंतर्गत जो सबसे अंतिम काल है उस काल को हम सेनोजोइक एरा बोलते हैं। और सेनोजोइक एरा जो है दो पीरियड में विभाजित है जिसको हम टर्शियरी और क्वार्टरनरी बोलते हैं, और क्वार्टरनरी पीरियड जो है दो युग में विभाजित है, एक है प्रतिनूतन युग और दूसरा नूतनतम युग। तो प्रतिनूतन युग में आपको यहाँ पर आपको पूरा पाषाण काल का विकास होता है, पूरा पाषाण काल राइट। और फिर नूतनतम युग जो है, नूतनतम युग यहाँ पर शुरू होता है नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, सॉरी यहाँ से शुरू होता है मध्यपाषाण काल, और आज भी हम नूतनतम युग में ही हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन आपके मन में आती होगी कि मनुष्य का उद्विकास तो होता है लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले आग का आविष्कार कब किया, इसको लेके आमतौर पर कंफ्यूजन है और कुछ पुस्तकों में भी गलत सूचनाएं हैं। देखिए, आग का आविष्कार ये होमो इरेक्टस करता है, होमो इरेक्टस राइट। और होमो इरेक्टस जो है निम्न पूरा पाषाण काल का मानव है, फॉसिल्स मानव है, यानी आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल में होगा। एकदम क्लियर ध्यान में रखिएगा कि आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर एक प्रश्न ये आता है कि मानव जीवन में मृतक संस्कार कब शुरू हुआ, सबसे पहले मनुष्य ने मृतक संस्कार कब शुरू किया। जब संस्कृति के विकास को आप पढ़ते हैं तो संस्कृति के विकास के अंतर्गत मृतक संस्कार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये मृतक संस्कार की शुरुआत जो होती है ये मध्य पूरा पाषाण काल में राइट, ये मध्य पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार निम्न पूरा पाषाण काल में। तो एक और प्रश्न आती है कि मनुष्य ने कला का विकास सबसे पहले कब किया, आर्ट का डेवलपमेंट, यानी मनुष्य के जीवन में
आर्ट का विकास सबसे पहले कब हुआ? तो मनुष्य के जीवन में आर्ट का विकास सबसे पहले ऊंच पुरा पाषाण काल में, राइट? ऊंच पुरा पाषाण काल में ही याद रखना है। और भारत के संदर्भ में आप देखिएगा कि मनुष्य द्वारा आर्ट के विकास के संदर्भ में हमें दो तरह के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो गुफा चित्रकला, तो गुफा चित्रकला हमको कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से और आदमगढ़ से। ये कब का है? ऊंच पुरा पाषाण काल का। और हड्डी की निर्मित मूर्ति, हड्डी की मूर्ति ये लोहदा नाला से मिलता है। ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में लोहदा नाला है, वहाँ से हड्डी की मूर्ति का हमें साक्ष्य मिलता है। एक और सवाल उठता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे कि अंड कवच जो है, इस पर पेंटिंग का प्रमाण हमको पटने एवं भदने से मिलता है, ये महाराष्ट्र के हैं। अब इसके बाद एक और प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य ने पशुपालन सबसे पहले कब शुरू किया? तो मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन, और ये मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से, राइट? आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़। और इसके बाद एक प्रश्न ये भी उठता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कृषि का विकास कब किया? तो कृषि का विकास जो है सबसे पहले नवपाषाण काल में। और भारत में सबसे प्राचीन कहाँ है? तो मेहरगढ़ में। ये आदमगढ़ में पशुपालन भी है और बागोर राजस्थान में भी है, दो फैक्ट है। तो इस तरह से आज हमने आपको ये 7-8 इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया, जिसको आप ध्यान में रखें, आप हमारे साथ जुड़ करके। और प्रतिदिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव फैक्ट बताऊँ, और जो आपके 22 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।